नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टाइप दयालोग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव निरंजन, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। आप लोगों के आंदोलन, आप लोगों के द्वारा किए गए कार्य रंग ला रहे हैं और एक बड़ी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा की प्रदेश में चर्चा हो रही है प्रवक्ता पद पर, ठीक ना, जिसको हम लोग TGT PGT कहते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इसका आपका एग्जाम कराता है। उसी के लिहाज से हमारे संस्थान में TGT PGT के लिए बैच स्टार्ट हो रहे हैं और भली भांति आप मेरा नाम, मेरे विषय क्षेत्र का नाम और मेरी पढ़ाने की कार्यशैली आप सब से अवगत है। इसी क्रम में मैं गौरव निरंजन आप लोगों को भूगोल TGT PGT के स्तर का पढ़ाने चल रहा हूँ और इस पढ़ाने के क्रम में जो मैंने पहले आपको क्लासें दी हैं, PCS में हूँ या अन्य बैचों में हूँ, उसमें और इसमें बहुत सारा अंतर है। अंतर इस बात को लेकर है कि यहाँ पर मुझे व्यापक क्षेत्र में आपको पढ़ाना है। उन एग्जामों में आपके लेखपाल है, SI है, NTPC है, इन सभी बैचों में कहीं ना कहीं हमारा दायरा सीमित होता था कि इसी दायरे में हमें लेकर चलना है। लेकिन अगर आपने अभी हाल ही में RO परीक्षा दी हो या फिर आपने खंड शिक्षाधिकारी की परीक्षा दी हो तो आप इस बात को महसूस करेंगे, जो भी हमारे पेड बैच के विद्यार्थी हैं जिन्होंने एडमिशन लेकर शिक्षा ग्रहण की थी, कि लगभग लगभग सभी प्रश्न आपके पढ़ाए गए टॉपिक से ही आए हैं। जो मैंने आपको पढ़ाए थे नोटबुक है, उन नोटबुक में जरूर आए होंगे और इस बात का प्रमाण आप भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि जो लोग, नए लोग जो हमसे TGT PGT में जुड़ना चाहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का, उनके मन में किसी भी प्रकार का संदेह ना रहे, ठीक ना। चलेगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। देखिएगा TGT और PGT कई सारे लोग बोलते हैं, जैसे मैथमेटिक्स या अन्य कोई सब्जेक्ट, संस्कृत है, कला है, तो यहां पर तो TGT और PGT के स्तर पर अगर बात की जाती है तो यहां पर तो सब्जेक्टों के सिलेबस में अंतर पाया जाएगा। लेकिन भूगोल है एक ऐसा विषय जिसमें चाहे आप TGT के लिए पढ़िए या PGT के लिए पढ़िएगा, यहां पर लगभग लगभग 95% सिलेबस जो है वो एक समान है। फिर भी हम दोनों में आपको कंपैरिजन दिखा देते हैं, अंतर क्या किया उसने और कैसे कैसे बातों को पूछा है, ठीक ना। तो सबसे पहले एक नजर हम लोग डालते हैं अपने सिलेबस पर और उसके बाद हम लोग नया सेशन स्टार्ट करेंगे और नया सेशन जो हमारा होगा जलवायु विज्ञान, तो हम लोग क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान से स्टार्ट करेंगे। धीरे 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 एक एक स्टेप पढ़ते जाएंगे, ठीक ना। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो आपके सामने ये सिलेबस है। पहले मैं आपको TGT का दिखाई देता हूं। TGT का सिलेबस ये है और TGT के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो यहां पर विषय सामाजिक विज्ञान लिखा होगा और इस सामाजिक विज्ञान के विषय में यहां पर लिखा है भूगोल, और भूगोल में यहां पर पहला शब्द है भौतिक भूगोल। स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा भौतिक भूगोल उसने नाम दिया और इसके अंतर्गत वो आपसे सौरमंडल की उत्पत्ति, सौरमंडल में पृथ्वी की आकृति, साथ ही साथ पृथ्वी की गतियां, यही बात को मैं अपने भाषा में अगर जब बोलता हूं तो मैं इसे नाम दे देता हूं सामान्य भूगोल, जिसमें हम लोग अच्छा देशांतर रेखाओं का ज्ञान करते हैं, उसके बाद पृथ्वी की गति और सौरमंडल का। पृथ्वी, अगर पृथ्वी गति कर रही है, चूंकि पृथ्वी सौरमंडल का भाग है और ये गति कर रही है, तो इसके गति के क्या प्रभाव पड़ेंगे। अगर हम पृथ्वी की गतियों की बात करते हैं तो दो प्रकार से पृथ्वी गति करती है। एक तो अपने अक्ष पर करती है जिसको नाम दिया जाता है घूर्णन गति, जिसके द्वारा दिन और रात में परिवर्तन होते हैं, इसलिए दैनिक गति नाम दिया जाता है। और एक नाम दे दिया जाता है जो सूर्य के चारों ओर जब ये चक्कर लगाती है, जिसको नाम दिया जाता है परिक्रमण गति या वार्षिक गति, ठीक ना। तो आखिरी गति अगर पृथ्वी कर रही तो इन गतियों का प्रभाव क्या होगा। अगर हम सौरमंडल के सदस्य की बात करते हैं यानी मुखिया की, तो सूर्य होता है, सूर्य ग्रहण और साथ ही साथ चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किन स्थितियों में लगता है, कब स्थिति आएंगी, इन्हीं के अंतर्गत सुपर मून की घटना आप लोगों ने सुना होगा, सुपर मून क्या होता है, सुपरनोवा की घटना, ये सारी चीजों का अध्ययन करना है। उसके बाद अच्छा से हम देशांतर रेखाओं का निरूपण, किस प्रकार से इन रेखाओं का ज्ञान किया गया और आखिर इनकी उपयोगिता क्या है, ठीक ना। ग्लोब पर किसी भी स्थल की अवस्थिति का निर्धारण जो है वो हम देशांतर रेखा के माध्यम से करते हैं। हम समय ज्ञात कर सकते हैं किसी भी देश की, किसी भी प्लेस की हम क्या कर
करते हैं, स्थिति का अवलोकन कर लेते हैं। उसके बाद आया स्थानीय प्रमाणिक समय का निर्धारण, आईडीएल अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेडलाइन, इसके बारे में पढ़ना है। अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की हम बात करते हैं तो 180 डिग्री देशांतर को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यही भाग जो है, यही को मैंने पीसीएस की परीक्षा में इसी को मैंने एक नाम दिया था सामान्य भूगोल, और इतनी सारी भाषा लिखी है। आपको देखिएगा एग्जामिनर या जो हमारा आयोग है, आपको इसकी भाषा से कभी भी घबराना नहीं है। ये ऐसी भाषा का उपयोग करता है जिससे विद्यार्थी विचलित हो जाते हैं। वास्तव में अगर इतनी भौतिक भूगोल जो इतना लिखा है, अगर वास्तव में हम इसकी बात करें तो यहां पर केवल तीन ही टॉपिकों का उल्लेख किया गया। पहला टॉपिक हो गया सौर मंडल आपका यानी ब्रह्मांड, दूसरा टॉपिक हो गया आपका पृथ्वी गतियां, और तीसरा टॉपिक हो गया आपका क्या, तो तीसरा टॉपिक हो जाता है आपका अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, उनके उपयोग, उनकी विशेषताएं, किस प्रकार उनका हम उपयोग कर सकते हैं, उनकी विशेषताएं, इन्हीं सारी चीजों को उसने क्या किया, एक लार्ज फॉर्म में लिख दिया है ना। उसके बाद आता है हमारा इसी में, अगर इसी में आगे बढ़ते हैं तो स्थल मंडल, यहां पर उसने स्थल मंडल नाम दिया। हम लोग जब आईएएस या पीसीएस का पढ़ते हैं तो वहीं पर इसको एक नाम दे देते हैं हम लोग, क्या, भू आकृति विज्ञान। क्या नाम दे देते हैं, भू आकृति विज्ञान, इसको नाम दे देते हैं हम। चट्टान, पृथ्वी किससे बनी हुई, चट्टानों से। स्थल मंडल की अगर हम बात करते हैं तो स्थल मंडल को इंग्लिश में नाम दिया जाता है लिथोस्फियर। स्थल मंडल को इंग्लिश में क्या नाम दिया जाता है, लिथोस्फियर नाम दिया जाता है। और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, लिथो और स्फियर। लिथो का जो अर्थ है, यहां पर लिथो का अर्थ चट्टान है और स्फीयर का मतलब होता है मंडल, अर्थात चट्टानों से मिलकर बने मंडल को हम क्या नाम दे देते हैं, स्थल मंडल। तो चट्टान, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं, चट्टानों की उत्पत्ति होती है पृथ्वी के अंतर्जात बल के द्वारा उत्पन्न एक घटना घटित होती है जिसका नाम है ज्वालामुखी प्रक्रिया। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया में जो गर्म गलित पदार्थ होता है, जब वह धरातल पर आता है तो उसको हम लावा नाम देते हैं, और जैसे जैसे लावा ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे चट्टानों का निर्माण होता जाएगा। तो उत्पत्ति एवं प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें कितने प्रकार की होती है, जो धरातल के ऊपर आ जाती है एक, और कुछ लावा जो होता है वो अंदर ही रह जाता है, आंतरिक आग्नेय चट्टान नाम दिया जाता है उन्हें, है ना। उसके बाद ज्वालामुखी प्रक्रिया, ज्वालामुखी के प्रकार कितने प्रकार के, और साथ ही साथ इनका विश्व वितरण। देखिएगा कहीं भी आपके पास चाहे भूकंप का विश्व वितरण आ जाए या ज्वालामुखी का विश्व वितरण आ जाए, तो ये विश्व का वितरण आपको तभी अच्छे से समझ में आ पाएगा जब आपने वर्ल्ड मैप को, विश्व भूगोल को बहुत अच्छे तरीके से समझा हो। बहुत अच्छे तरीके से समझने का मतलब है कि आपको आंख बंद करके आपको लोकेशन मालूम होने चाहिए कि हिंद महासागर कहाँ है, प्रशांत महासागर कहाँ है, भूमध्य सागर कहाँ है, तुर्की देश कहाँ है, इजराइल देश कहाँ पर है, ठीक ना, जापान कहाँ पर है, फिलीपींस कहाँ पर, इंडोनेशिया कहाँ पर है। इसके लिए आपको मैप का एक विशेष अध्ययन, गहन अध्ययन करना होगा, ठीक ना। तो विश्व वितरण हो गया, उसके बाद भूकंप, वही सब चीजें रहेंगी, भूकंप की उत्पत्ति, विश्व वितरण, महाद्वीपों एवं महासागरों का वितरण, ठीक ना। जहां पर भी वितरण शब्द आएगा वहां पर हम लोग इसको विश्व भूगोल से कनेक्ट करेंगे। पर्वत एवं उनके प्रकार, पर्वतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कई सारी उत्पत्ति, कई प्रकार के पर्वत होते हैं, मूर्धार पर्वत होते हैं, मूर्धार को ही हम बलित पर्वत कहते हैं, गुमदाकार पर्वत होते हैं, वृहंसूत्र पर्वत होते हैं, और उसके बाद अगर बात की जाए अपरदित पर्वत होते हैं, गुमदाकार पर्वत होते हैं, ब्लॉक पर्वत होते हैं। तो इन पर्वतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और इनका वितरण, उत्पत्ति एवं इनका वितरण, और देखिएगा साथ में लिखा वलित या मूर्धार पर्वतों का विश्व के प्रमुख पठार एवं उनके प्रकार, ठीक ना। ये यानी स्थलाकृतियां, स्थल मंडल पर जो भी स्थलाकृतियां पाई जा रही हैं उसका हमें स्थल मंडल में अध्ययन करना है। पठार है, पर्वत है, मैदान है, तटीय मैदान है, घाट है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, महाद्वीपों के पश्चिम में मरुस्थलीय क्यों पाए जाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां तक कि आईएएस में भी पूछा गया है, ठीक ना। तो ये सारी चीजें यहां पर हो जाती हैं। उसके बाद आता है वायुमंडल, यहां पर वायुमंडल नाम दे दिया और इसी को हम लोग एक नाम दे देंगे अपने विषय में भू आकृति विज्ञान, ठीक ना, सॉरी जलवायु विज्ञान। क्या नाम दे देंगे, जलवायु विज्ञान, क्योंकि जलवायु से संबंधित जो सभी घटनाएं हैं वो सभी घटनाएं कहां पर घटित होंगी, हमारे वायुमंडल में। तो वायुमंडल नाम दे दिया। वायुमंडल की संरचना किस प्रकार की होगी, उसका संगठन किस प्रकार का होगा, साथ ही साथ वायुमंडल के किन परतों में कौन सी विशेषताएं पाई जाएंगी, आयन मंडल की विशेषता क्या है, सम मंडल किसे कहते हैं, विषम मंडल किसे कहते हैं, इत्यादि चीजों की यहां पर बात करनी है। उसी के साथ साथ सूर्य तप,
जिसको हम लोग सूर्य तप बोलें तो इंग्लिश में इंसुलेशन भी कहते हैं। इंसुलेशन सूर्य से आने वाला प्रकाश, और सूर्य से आने वाले प्रकाश का प्रभाव क्या रहता है, वो जब एब्जॉर्ब करती है धरातल तो टेम्परेचर बढ़ा देता है, तो सूर्य तप और साथ ही साथ में तापमान हो जाएगा यहाँ पर सूर्य तप। और जब सूर्य तप आएगा तो इसे बहुत सारे कारक क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, जैसे वायुमंडल की मोटाई, बादल, वायुमंडल में पाई जाने वाली डस्ट, वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गैसें कुछ मात्रा में अवशोषित करेंगी और कुछ मात्रा में क्या करेंगे, इसको परावर्तित कर देंगी। ये सारी चीजें रहेंगी। तो ये अभी हम मोटे मोटे तौर पर देख रहे हैं, ये आपका यहाँ पर वायुमंडल हो गया। उसके बाद एक आता है जलमंडल, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में अगर बात करें तो ओशनोग्राफी या जलवायु विज्ञान, सॉरी समुद्र विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र विज्ञान। महासागरों की उच्चावच, उच्चावच का मतलब होता है अलग अलग ऊंचाई वाली संरचनाएं। तो ऐसी बात नहीं है कि महासागरों में पठार नहीं होते हैं या तट नहीं होते हैं, सब कुछ पाए जाते हैं। तो महासागरी उच्चावच, कटक वगैरह इसी के अंतर्गत आ जाएगा। महासागरीय तापमान, जो महासागर है वो भी गर्म होगा, किससे गर्म होगा, जल दबाव की प्रक्रिया, यानी पानी ऊपर वाला जल नीचे वाले जल पर क्या डाल रहा होगा, दबाव डाल रहा होगा। साथ ही साथ सूर्य से आने वाला प्रकाश भी उसे क्या करेगा, हीट देगा, यानी उसके तापमान को बढ़ाएगा। साथ ही साथ यदि वहां पर अंतर्जात बल आते हैं, ज्वालामुखी आती है या फिर सुनामी जैसी घटनाएं बढ़ती हैं, तब भी इनके तापमान में कहीं ना कहीं वृद्धि होती है। तो महासागर का तापमान एवं महासागरों में पाए जाने वाला खारापन, और खारेपन को एक नाम दे दिया यहां पर क्या, लवणता, सैलिनिटी, ठीक ना। उसके बाद महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय जलधाराएं होती हैं, जो पानी क्षैतिज रूप से प्रवाहित हो रहा है महासागरों का, उसे महासागरीय जलधारा कहते हैं। महासागरीय जलधाराओं के प्रकार, महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए क्या क्या अनुकूल दशाएं होनी चाहिए, और साथ ही साथ इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अगर इतना आपने सीख लिया तो चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, आप महासागर या जलवायु विज्ञान से किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, चाहे वो आपके आर्थिकी से लिया जाए कि विश्व के महत्वपूर्ण मत्स्य उत्पादन केंद्र कौन कौन से हैं, कहां पर मछलियों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जा रहा है, कहां पर शैवालों की, यानी इसको हम आगे जाके जैवमंडल से जोड़ सकते हैं, आगे जाके हम जैवमंडल से जोड़ सकते हैं, कहां पर छिछला सागर पाए जाएंगे, कहां पर वनस्पतियों का प्रभाव ज्यादा होगा, कहां पर वनस्पतियों का प्रभाव बहुत कम मात्रा में होगा, ये सारी चीजें किससे निर्धारित होंगी, महासागरीय जलधाराएं से। दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं, एक ठंडी और एक गर्म। जहां पर गर्म जलधारा होगी, सीधी सी बात है, उस क्षेत्र का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वहां पर एक अलग प्रकार की पारिस्थितिकी क्षेत्र बन जाएगा। इसी को उठा के हम कहां से जोड़ देंगे, तो इसको उठा के हम जोड़ देंगे अपने पर्यावरण, किसी पर्यावरण से, हम वायु से भी जोड़ सकते हैं, सागरी वायु, हम प्रवाल भित्ति से भी इसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। इन सब के बाद एक आता है और इसका नाम है जैवमंडल। जैवमंडल में अगर बात करें तो हम मिट्टी, वनस्पति, मिट्टी विश्व के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, और साथ ही साथ वनस्पति विश्व के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, तो मिट्टी और वनस्पतियों का प्रादेशिक स्तर पर वितरण, ठीक ना, प्रादेशिक स्तर पर विश्व वितरण तथा संबंधित वन्य जीव जंतु, यानी किस मिट्टी में किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, सदाबहार वनों की विशेषताएं क्या होंगी, पतझड़ वनों की विशेषताएं क्या होंगी। सदाबहार वन जो होते हैं वो अत्यंत सघन होते हैं, और अत्यंत सघन होने के कारण अंदर तक सूर्य की, या हम कह सकते हैं नीचे तक सूर्य तप या सौर ऊर्जा या सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जिस कारण से वहां पर विशेष प्रकार की एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, विशेष प्रकार की वहां पर क्या पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्र बन जाता है। अमेजन नदी घाटी देख लीजिएगा आप, या कांगो नदी घाटी देख लीजिएगा आप, यहां पर सदाबहार वन ही पाए जाते हैं, बहुत घने होते हैं, दलदल क्षेत्र होता है जहां पर एनाकोंडा पाया जाता है। पूछा गया प्रश्न है, एनाकोंडा जो सर्प है एक प्रकार का, वह किन क्षेत्रों में पाया जाता है, या एनाकोंडा के निवास के लिए कौन सी दशाएं आदर्श मानी जाती हैं, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक ना। ये सब अगर आप देखेंगे तो जो पेड़ बैच हैं उन सब में मैंने पढ़ाया है, बस अंतर केवल इतना है कि वहां पर मैंने बहुत सीमित पढ़ाया है आपको, कि जितने आपकी एग्जाम की डिमांड थी उस आधार पर पढ़ाया। यहां पर एग्जाम की डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर आप प्रवक्ता की भर्ती परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहां पर डिमांड ज्यादा होने के कारण हम लोग लार्ज रूप से पढ़ेंगे, ठीक ना, लार्ज रूप से पढ़ेंगे, ठीक ना। अगला देखिएगा, यहां से चीजें अलग हो जाती हैं, मानव भूगोल और मानव अधिवास। मानव भूगोल,
मानव भूगोल के अंतर्गत हमें मानव से संबंधित, चाहे उनकी जनसंख्या हो, जनसंख्या का वितरण हो, उनका जनांकीय गुण हो, उनका आम कह जनसंख्या घनत्व हो, इन सभी बातों को देखना है। और साथ ही साथ उससे संबंधित किस विचारक ने, उससे संबंधित किस विचारक ने अपने क्या मैसेज दिए, क्या सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों को समझना है मानव भूगोल। ठीक ना, मानव पर्यावरण अंतर संबंध भी समझना है कि मानव किस प्रकार पर्यावरण से इंटरलिंक है इसका। मानव की प्रजातियां, विश्व की महत्वपूर्ण जनजातियां, साथ ही साथ भारत की महत्वपूर्ण जनजातियां, प्रत्येक बार चाहे आईएएस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की, चाहे ग्रुप सी या डी, एक क्वेश्चन जो है जनजातियों से पूछा जाए। विश्व की जनजातियां, भारत की जनजातियां, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस का हो, पीसीएस का हो, स्टेट लेवल पीसीएस का हो, या कोई भी भर्ती परीक्षा हो, जनजातियों से एक दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई, उसके बाद एक परीक्षा हुई आरओ की, आप देख लीजिएगा जनजातियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनजातियों आरओ की परीक्षा में दो थे जनजातियों से क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में बुक्सर जनजाति कहां पाई जाती है, जरवा जनजाति का निवास स्थान भी पूछा गया था। ठीक ना, तो इसमें हमें बिल्कुल, कहां पर आपने सुना होगा कि नस्ल भेद एक बड़ा मुद्दा रहता है, अफ्रीकन देशों में सफेद लोग, काले लोग, गोरे लोग, ये मुद्दा हमारे यहाँ भी लंबे समय तक रहा उपनिवेश काल में, तो इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं, क्या क्या इसके सामने चुनौतियां आ सकती हैं, उन्हीं के संबंध में विश्व के महान वैज्ञानिकों ने इससे संबंधित क्या दिए, विचार दिए। उसके बाद इनके वितरण की बात आ जाती है, कौन कौन सी बुशमैन है, एस्किमो है, किर्गिज है, मसाई है, सेमांग है, इनके संदर्भ में विशेष हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक ना, उसके बाद आता है मानव अधिवास, और अधिवास का मतलब होता है जहां पर रहते हैं, इनका घर। इसमें हम बस्तियों की प्रकृति को देखते हैं, कहां पर बस्तियां अधिक मात्रा में पाई जाएंगी, या जहां पर जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व की बात यहां पर पूछ रहा है। मानव बस्तियों के प्रकार और उनके वितरण को यहां पर समझना होगा। ठीक ना, इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे आर्थिक भूगोल आ गया, और इस आर्थिक भूगोल में हम आर्थिक ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें कहीं ना कहीं पैसे की प्राप्ति होती है, उसको हम आर्थिकी बोलते हैं। जैसे मछली पालन हो गया, किसी भी प्रकार का उद्योग हो गया, कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, फूलों की खेती, फलों की खेती हो गई, सेरिकल्चर हो गया, बीमी कल्चर हो गया, इन सभी को यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही साथ खनिज मिलेगा, हमें कोयला मिलेगा, प्राकृतिक गैस मिलेगी, उनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, किन क्षेत्रों से उनकी प्राप्ति होती है, यानी उनका वितरण भारत के स्तर पर, भारत के राज्यों के स्तर पर, और साथ ही साथ विश्व के स्तर पर, ये तीनों जगह से आपसे पूछा जाएगा। कल आरओ के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है। हमने आपको अच्छे से स्पष्ट तौर पर पढ़ाया है कि भारत में वर्तमान समय 24 तेल रिफाइनरी है, 24 तेल रिफाइनरी है, 19 जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र की है, 3 जो है वो क्या है निजी क्षेत्र की है, और 2 जो है वो पब्लिक सेक्टर की है। ये 19 तेल रिफाइनरी है, और इनको बहुत है, सॉरी 24 तेल रिफाइनरी, इनको बहुत अच्छे से आपको कंटिन्यू करना है, बहुत अच्छे से। अभी हाल ही में करंट से भी मुद्दा उठा लेता है, अभी हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर जिले में मंगला, ऐश्वर्या और भाग्यम नाम के कुछ तेल क्षेत्र खोजे गए हैं, या आप कह सकते हो वहां पर तेल रिफाइनरी लगाई गई है। किस कंपनी ने वहां पर तेल रिफाइनरी लगाई है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये आर्थिक भूगोल आ गया आपका। विश्व की प्रमुख फसलों का बात कर रहा है, फसलों का भौगोलिक विवेचन, चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, चुकंदर, चाय, केवर, रबर, विश्व में मत्स्य अपहरण, अपहरण का मतलब यहाँ पर उत्पादन से है, वन दोहन वनों के लगाने से है, वनों का दोहन हो रहा है, उससे संबंधित क्या प्रभाव पड़ेगा मानव पर, सूती वस्त्र, कृत्रिम वस्त्र, कागज, तेल शोधन प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। ठीक ना, और बैगनर का यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश भी, सॉरी यहाँ पर जो औद्योगिक प्रदेश की संकल्पना है हमें वो भी पढ़नी पड़ेगी, त्रिभुजाकार जो औद्योगिक नियम दिया गया हमें वो भी समझना होगा। ठीक ना, ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। साथ ही साथ इसी में हम परिवहन को भी पढ़ेंगे, भाई अगर हम फसलों का उत्पादन करते हैं तो एक माध्यम होना चाहिए, सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जिसके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनको ले जाएंगे। ठीक ना, उसके बाद आता है भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में जो चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, भारत का परिचय है, भारत के भौतिक प्रदेश, उच्चावच, नदी, जलवायु, मृदा, वनस्पति, भारत की जनजातियां, भारत के दर्रे, ग्लेशियर, ये सारी चीजें जो है वो आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक ना, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। तो एक सिलेबस से हुआ
पीजीटी का। और अगर हम पीजीटी के सिलेबस की बात करें तो देखिएगा लगभग लगभग वही चीजें हैं, भौतिक भूगोल, भूगोल की परिभाषाएं, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल यानी विश्व का भूगोल हो गया, और भारत का भौगोलिक स्वरूप, वही चीजें हैं। चाहे आप, हमने इसलिए तुलनात्मक रूप से बताया है कि कई सारे लोग ये बोलने लगते हैं जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं कि सर टीजीटी अलग है और पीजीटी अलग है, अलग है बेसिकली, लेकिन एग्जाम लगभग लगभग 90% एग्जाम जो है, सॉरी 90% सिलेबस जो है वो लगभग एक समान ही है। आप पढ़िए, आपको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक ना। चलिएगा तो यहां से हम फिर स्टार्ट करते हैं और आ जाइए, अब सिलेबस हमने आपको दिखा दिया, अब एक एक से हम बिल्कुल आराम आराम से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और यहां पर मैंने संक्षिप्त रूप से आपको सिलेबस को यहां पर डिवाइड कर दिया है कि इतना आपको सिलेबस पढ़ना है, चाहे टीजीटी लेवल पर हो, चाहे पीजीटी लेवल पर, भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र, भौतिक भूगोल जिसमें हम लोग क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ठीक ना, आपका भूआकृति विज्ञान, जैव मंडल इसको देखेंगे, उसके बाद हम आर्थिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल यानी विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, उसके बाद भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण विचारक, किस विचारक ने किस प्रकार के सिद्धांत दिए, इन सभी को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो आज मैं वैसे तो आमतौर पर जो मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ वो तो भारत का भूगोल या विश्व के भूगोल से करता हूँ, लेकिन चूंकि ये परीक्षा बड़े लेवल की है, प्रवक्ता की है, और यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं जलवायु विज्ञान से, क्लाइमेटोलॉजी से। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? तो जलवायु विज्ञान से हम स्टार्ट करते हैं। जलवायु विज्ञान, और अगर हम जलवायु विज्ञान की बात करते हैं तो जलवायु विज्ञान में हमें सबसे पहले जलवायु का, जो जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक माना गया वो तापमान को माना गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि तापमान एकमात्र कारक हो जो जलवायु को या हमारे मौसमी संबंधित घटनाओं को प्रभावित करता हो। जलवायु विज्ञान में वास्तव में देखें तो हम मौसम, साथ ही साथ ऋतुओं में किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, इन्हीं सब चीजों का अध्ययन करते हैं। और मौसम और जलवायु में जो डिफरेंस है वो आपको भली भांति मालूम है कि मौसम वायुमंडल की एक अल्पकाल की घटना होती है और जलवायु जो है वो एक दीर्घकाल की घटना होती है। क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में, हम क्लाइमेट बोलते हैं जलवायु को, ठीक ना। तो जलवायु विज्ञान की अगर हम बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी की, तो इसमें पहला टॉपिक आता है हमारा जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है इसको, और उस पहले टॉपिक का नाम है तापमान, टेम्परेचर। तो आज का यही हमारा विषय है, हमें इसी को समझना है बहुत अच्छे से, तापमान, टेम्परेचर, ठीक ना। अगर इस शब्द को आप देखिएगा तापमान को, तो इस तापमान शब्द में दो भागों में इसको हम तोड़ देते हैं। एक आता है ताप और दूसरा शब्द आता है मान। आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं आमतौर पर, इकाई का मान, दाही का मान होता है। तो मान शब्द क्या है? मान एक प्रकार की ये माप होती है, एक प्रकार की माप होती है, और जहां पर हम अंकों का यूज करते हैं, अंकों का उपयोग करते हैं, तो हम कह सकते हैं यह एक अंकीय माप है। क्या है यह? एक अंकीय माप है, ठीक ना। तो अगर आपसे मान का संबंध पूछा जाए कि मान क्या है, तो मान आपको याद रखना है एक प्रकार की अंकीय माप। अंकीय माप का मतलब जिसको हम अंकों में काउंट कर सकते हैं। अंकों में काउंट हम इसलिए कर रहे हैं, अगर हम तापमान का मात्रक लिखते हैं कि तापमान को हम किस में मापते हैं, तो तापमान को हम डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन या फारेनहाइट में मापते हैं, यही है। हम बोलते हैं कि मेरा शरीर का टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, या किसी वस्तु का टेम्परेचर है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड तो ताप है, और जो अंकीय मान है ये अंकीय माप होगी, ये क्या होगी? अंकीय माप। इसी को हमने क्या नाम दे दिया? इसी को हमने नाम दे दिया मान। तो तापमान का अंकीय माप कितना हो गया?
किसी वस्तु में हम कहते हैं कि एक वस्तु है, इस वस्तु का जो टेम्परेचर है, इस वस्तु का जो तापमान है वो है 90 डिग्री सेंटीग्रेड या 95 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कमरे का तापमान हमारे 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आमतौर पर, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 27 एक अंकीय मान है और जहां पर भी अंकीय मान होगा एक प्रकार की माप होती है किसकी, तापमान की, किसकी, ताप की, किसकी, ताप की। तो तापमान को हम आम भाषा में ताप भी बोलते हैं, है ना। अब बात आती है कि सर ये ताप क्या है, तो ताप की अगर हम बात करते हैं तो ताप एक प्रकार की संवेदनशील ऊर्जा है, संवेदनशील ऊष्मा। ताप क्या है, एक संवेदनशील ऊष्मा, संवेदनशील ऊष्मा, सेंसिबल हीट बोलते हैं हम इंग्लिश में। सेंसिबल हीट, संवेदन, आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे, नर्वस सिस्टम होता है हमारा, हमारी इंद्रियाएं होती हैं, यही हमारे लिए संवेदनाओं का कार्य करती हैं, यही हमारे लिए संवेदनाओं का कार्य करती हैं। मान लीजिएगा आप प्लग लगा रहे हैं, लाइट का प्लग लगा रहे हैं और आपके हाथ से, आपकी हथेली से, आपकी उंगली से बार टच हो जाता है, लाइट का बार टच हो जाता है, आपको झंझनाहट महसूस होती है। ये महसूस होना ही क्या है, संवेदनशील, आपके हाथ आपकी उंगली तुरंत क्या करेगा, कंपन करेगा। तो अगर आपसे मैं सामान्य शब्दों में कहूं कि संवेदनशील ऊष्मा किसे कहते हैं, तो ऐसी ऊष्मा जिसको हम अपने इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं उसे संवेदनशील ऊष्मा कहते हैं। अभी केवल हम नॉर्मल आपको समझा रहे हैं चीजों को। संवेदनशील ऊष्मा एक प्रकार की गुप्त ऊष्मा होती है, कैसे अणुओं की गतिज ऊर्जा, अणुओं की स्थितिक ऊर्जा किस प्रकार से कार्य करती है अभी आएगा, ये अभी आएगा। भूगोल के हम मूलभूत आपको अवधारणाएं पढ़ाएंगे, वहां पर इन सारी चीजों की अभी आपसे बात होगी। तो अगर हम यहां पर केवल संवेदनशील ऊष्मा की बात करते हैं तो संवेदनशील ऊष्मा का अर्थ यहां पर है ऐसी ऊष्मा, ऐसी ऊष्मा जिसे इंद्रियों के माध्यम से, ऐसी ऊष्मा जिसे इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से महसूस किया जा सके, जिसे इंद्रियों के माध्यम से महसूस किया जा सके उससे हम क्या बोलते हैं, उसे हम संवेदनशील ऊष्मा बोलते हैं, ठीक ना। अब यहां पर हमारी बात समझना, अगर मैंने कहा कि संवेदनशील ऊष्मा ऐसी ऊष्मा को कहा जाएगा जिसको हम अपने इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सके, संवेदनशील ऊष्मा, तो देखिएगा अगर हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से संवेदनशील ऊष्मा को महसूस करते हैं तो हमें दो ही प्रकार का महसूस होगा, हमें दो ही प्रकार की महसूस होगी, या तो हमें ये ऊष्मा ठंडी महसूस होगी, हमें ठंडा भी लग सकता है और हमें क्या लग सकता है, गर्म भी लग सकता है। घड़ा होता है, घड़ा या फ्रिज होता है, घड़े के ऊपर हाथ रखेंगे तो घड़ा आपको ठंडा दिखाई देगा, है ना। और आप मान लीजिएगा गर्मी का मौसम है, आप रास्ते पर चलते हैं, आपके नंगे पैर आप रास्ते पर चलते हैं तो वो आपको कैसे दिखाई देंगे, गर्म, और अगर वहीं पानी में चलते हैं तो वो आपको कैसे दिखाई देंगे, ठंडे दिखाई देंगे या ठंडे महसूस होंगे, क्या होंगे, महसूस, दिखाई ना देकर हम महसूस बात करते हैं, महसूस होंगे। तो संवेदनशील ऊष्मा यह तो हमें ये याद कराएगी कि यह वस्तु ठंडी है या यह वस्तु गर्म है। अब आप बताइएगा यदि कोई वस्तु ठंडी है तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु ठंडी है तो उसका टेम्परेचर कम होगा और यदि कोई वस्तु गर्म है तो उसका टेम्परेचर अधिक होगा, है ना। अगर कोई वस्तु ठंडी है तो उसका टेम्परेचर कम होगा और यदि कोई वस्तु गर्म है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा। इसी ठंडी को हम एक नाम दे देते हैं शीतलन और इस गर्म को एक नाम दे देते हैं उष्णता। अब देखिएगा यहां से हम एक नई डेफिनेशन बना सकते हैं, एक ऐसी ऊर्जा या एक ऐसी ऊष्मा जिसके द्वारा हमें उष्णता एवं शीतलता का अनुभव होता है उसको हम संवेदनशील ऊष्मा कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम संवेदनशील ऊष्मा कहते हैं। बोलिएगा इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, आगे समझिएगा।
अगर हम बात करते हैं उष्णता की, याद रखिएगा किसी भी वस्तु की उष्णता या कोई भी वस्तु हमें तब गर्म होगी जब वह क्या करेगी, ऊर्जा का अवशोषण करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, ऊर्जा का क्या करेगी, अवशोषण करेगी। यदि कोई वस्तु ऊष्मा को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करती है यानी ऊष्मा को यदि ग्रहण करती है तो निश्चित तौर पर उसका टेम्परेचर अधिक होगा, और यदि कोई वस्तु ऊष्मा का क्या कर देती है, निष्कासन कर देती है, ऊष्मा का क्या कर देती है, निष्कासन, यदि कोई वस्तु ऊष्मा का निष्कासन कर देती है तो हमें कैसे दिखाई देगी, ठंडी। अब देखिएगा यहां पर दो शब्द हैं, निष्कासन और दूसरा मैं लिख रहा हूं परावर्तन, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, कभी भी इनको एक समान आप मत मानिएगा। निष्कासन की अगर हम इंग्लिश बात करें तो आप रिमूवल बोल सकते हैं, रिमूव करना निष्कासन, और परावर्तन को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन अगर हम परावर्तन की बात करते हैं तो परावर्तन जो है वो चिकनी सतह और सफेद रंग का सर्वाधिक होता है, चिकनी सतह और सफेद रंग का जो परावर्तन है वो अधिक होगा। परावर्तन पहले समझते हैं होता क्या है। यहां पर मान लीजिएगा ये मेरी हथेली है, एक प्रकार का धरातल है और यहां पर सूर्य है, तो सूर्य के द्वारा जो प्रकाश आएगा वो हथेली से टकराएगा और टकराने के बाद कुछ मात्रा में क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। उसी वापस होने वाली ऊर्जा को हम, उसी वापस होने वाली ऊर्जा के गुण को हम क्या कहेंगे, परावर्तन। और कुछ मात्रा में धरातल क्या करेगा, कुछ मात्रा में धरातल ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा तो धरातल गर्म हो जाएगा। मैंने कहा अगर अवशोषण करेगा तो कैसा हो जाएगा, धरातल गर्म। अब धरातल की या प्रत्येक वस्तु की एक प्रत्यास्थ सीमा होती है और प्रत्यास्थ सीमा तक ही वह ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है, उसके बाद वह ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता है। हमेशा याद रखिएगा प्रत्येक वस्तु की एक प्रत्यास्थ सीमा होती है, प्रत्यास्थ सीमा एक ऐसी सीमा जिसको हम आम भाषा में बोल सकते हैं सहन करने की क्षमता। इस पैन में भी ऊष्मा को सहन करने की क्षमता है लेकिन यह एक निश्चित तापमान तक, एक निश्चित मात्रा तक ही ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा, और जब इसमें ऊर्जा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो उसी ऊर्जा की मात्रा को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। और जब ऊर्जा को अवशोषित होने के बाद जब यह ऊर्जा बाहर आती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं निष्कासन। यानी निष्कासन के लिए क्या आवश्यक है, ऊर्जा का अवशोषण आवश्यक है। आपके आईएएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आईएएस की परीक्षा में आपके पूछा गया प्रश्न है, इन्हीं तीन शब्दों से उसने एक क्वेश्चन बना दिया। फिर से हमारी बातों को समझिएगा, आराम से गौर से हमारी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने ये कहा है कि निष्कासन परावर्तन और अवशोषण की बात करते हैं, तो मैंने परावर्तन, यदि वहां से सूर्य की एक प्रकाश किरण आती है और इस धरातल से टकराती है तो कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा में धरातल ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ मात्रा में एक क्या कर देगा, वापिस कर देगा, और वापिस करने के इसी गुण को क्या कहा गया, परावर्तन। और जितनी मात्रा में इसने ग्रहण किया उसको क्या कहा जाएगा, अवशोषण। तो अवशोषण हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर जो है वो धरातल गर्म हो जाएगा, लेकिन धरातल जो है वो एक प्रत्येक वस्तु की, हम ऐसा बोलेंगे यहां पर, प्रत्येक वस्तु की एक प्रत्यास्थ सीमा होती है, इस प्रत्यास्थ सीमा से बाहर वह ऊर्जा या ऊष्मा को संग्रहित नहीं कर सकता है तो फिर क्या करेगा, ऊष्मा को बाहर निकालने लगेगा, ऊष्मा को बाहर निकालने लगेगा। और जब ऊष्मा को बाहर निकालेगा तो उसी ऊष्मा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को नाम दिया जाता है अवशोषण। आइएगा मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं, हालांकि हम संवहन पढ़ेंगे, संवहन की प्रक्रिया पढ़ेंगे तब ये पढ़ाया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास एक ए गैस का बर्नर है, आपके पास यहां पर मान लीजिएगा एक प्रकार की यहां पर गैस है, और इस गैस पर आपने एक जो है कढ़ाई रखी हुई है, एक आपने कुछ भी बर्तन यहां पर रखा हुआ है, आप यहां से इसको आग देते हैं, आग देते हैं मतलब क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर। ये जो बर्तन है क्या ये बर्तन तुरंत गर्म हो जाएगा, ये बर्तन जो है यह तुरंत गर्म नहीं होगा, पहले इस बर्तन का जो धातु है ये धातु क्या करेगी, एक समय तक, एक सीमा तक, एक मात्रा तक
उष्मा को एब्जॉर्ब करेगी और जब इसकी उष्मा को एब्जॉर्ब करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी तो ये उष्मा को क्या करेगी, बाहर निकालने लगेगी। और जब ये उष्मा को बाहर निकालेगी तो उसी को हम नाम देते हैं निष्कासन। आमतौर पर इलाहाबाद में रहने वाले विद्यार्थी या अन्य शहरों में रहने वाले विद्यार्थी अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अपने कभी जब आप शुरुआत में खाना बनाना प्रारंभ करते हैं तो कई बार ये गलती होती है। मुझे भी खाना बनाने का बहुत शौक है, मैं भी खाना बनाता हूँ, गलती कई बार हुई है कि जैसे ही कढ़ाई रखी और तुरंत उसमें ऑयल डाल देते हैं। ऑयल तब डालना चाहिए जब कढ़ाई हमारी बहुत अच्छे से गर्म हो जाए। अगर आप तुरंत ऑयल डालेंगे, तुरंत प्याज उसमें हींग और जीरा डाल देंगे तो शायद वो मजा नहीं आएगा जो बाद में मजा आने वाला था, है ना। तो हमारा कोई भी बर्तन होगा वो जब तक गर्म नहीं होगा, यानी उसके अणुओं को पर्याप्त मात्रा में जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी, वह ऊर्जा का निष्कासन नहीं करेगा, वह ऊर्जा का निष्कासन नहीं करेगा। बोलिएगा, शायद इस वाले एग्जाम्पल से कई सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हूं, शायद इस वाले एग्जाम्पल से कई सारी चीजें आपको क्या हो गई हो, क्लियर हो गई। बोलिएगा, इतनी बात समझ में आई। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि संवेदनशील ऊष्मा, या यहां से पूरा देखिएगा, तापमान क्या है, ताप प्लस मान, मान का अर्थ होता है अंकीय मान, तापमान की जो इकाई है, मात्रक है जिसमें हम तापमान को मापते हैं वो डिग्री या सेंटीग्रेड होती है, जिसको हम केल्विन या फारेनहाइट में भी माप सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। ताप क्या है, एक प्रकार की संवेदनशील ऊष्मा है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, और महसूस करने के बाद, इस संवेदनशील ऊष्मा को महसूस करने के बाद हमें बता सकते हैं कि कोई भी वस्तु ठंडी है या कोई भी वस्तु गर्म है। यदि कोई वस्तु गर्म है तो मतलब है कि इसका टेम्परेचर अधिक है, यदि कोई वस्तु ठंडी है तो इसका अर्थ यह है कि इसका टेम्परेचर कम है, कि इसका टेम्परेचर कम है। अब यदि कोई वस्तु गर्म है, यदि कोई वस्तु गर्म है यानी वो उष्ण है, उसमें उष्णता का गुण पाया जा रहा है, तो यहां पर निश्चित रूप से ऊष्मा का अवशोषण हुआ होगा और ऊष्मा को यहां पर एब्जॉर्ब किया गया होगा। और ये वस्तु यदि ठंडी है तो यहां पर ऊष्मा का निष्कासन हो रहा होगा, यहां पर ऊष्मा का परावर्तन हो रहा होगा। परावर्तन भी होगा तब भी, निष्कासन होगा तब भी, लेकिन आपको याद रखना है कि परावर्तन और निष्कासन दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों अलग अलग शब्द हैं, ठीक ना। मैंने आपको यहां बताया है कि परावर्तन जो है, ठीक ना, परावर्तन जो है वो किसका अधिक होगा, तो परावर्तन जो है हमेशा याद रखिएगा, परावर्तन चिकनी सतह है, ये एल्बिडो है, वास्तव में टॉपिक एल्बिडो टॉपिक है, परावर्तिता गुणांक, तो चिकनी सतह है, साथ ही साथ सफेद रंग, चिकनी सतह और सफेद रंग का जो है वो परावर्तन अधिक होगा। और यही कारण है कि गर्मियों में हम आमतौर पर सफेद रंग की शर्ट पहनते हैं, क्यों, ये ऊष्मा का परावर्तन कर देती है और हमारी शर्ट ठंडी रहती है। और वहीं अगर हम काली शर्ट पहन लेते तो काली शर्ट क्या करेगी, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगी और हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। तो यहां पर परावर्तन किस पे निर्भर करता है, चिकनी सतह, सफेद रंग और साफ सतह, तीन शब्द याद रखना है, साफ सतह, ठीक ना, क्लीन सरफेस, एक दो तीन, और इसका पॉजिटिव हो जाएगा। अवशोषण किस पर निर्भर करेगा, खुरदुरी सतह, काला रंग और गंदी सतह, ठीक ना, गंदी सतह। तो अवशोषण तभी ज्यादा हो सकता है जब जो सतह हो वो कैसी हो, खुरदुरी हो, खुरदुरी यानी दाने टाइप हो, उसमें खुरदुरी सतह पर निर्भर करेगा, खुरदुरी सतह के साथ साथ एक किस पर, काले रंग पर निर्भर करेगा, खुरदुरी सतह, काला रंग और साथ ही साथ गंदी सतह जहां पर अशुद्धियां पाई जाए, ठीक ना, गंदी सतह का मतलब है जहां पर अशुद्धियां पाई जा रही हो, ठीक ना। आई होप आपको हमारी ये बातें समझ में आई होंगी, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिएगा, अब मैं अगर आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं दो शब्द लिख रहा हूं, एक है जिसका नाम है सूर्यातप, जिसको इंग्लिश में हम इंसुलेशन बोलते हैं, और एक शब्द है तापमान, जिसको इंग्लिश में हम टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्परेचर।
क्या ये दोनों एक ही है? क्या ये दोनों एक ही है? तो आपको याद रखना है ये दोनों एक नहीं है। अगर हम सूर्य तप की बात करते हैं, अभी सामान्य तौर पर हम एक अंतर, एक दो अंतर बता रहे हैं। सूर्य तप, तो सूर्य तप एक ऊष्मा है जिससे गर्मी पैदा होती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा जिससे गर्मी पैदा होती है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा जिससे क्या पैदा होती है, जिससे गर्मी पैदा होती है। और तापमान क्या है? तापमान है ऊष्मा से पैदा हुई गर्मी का एहसास है। ऊष्मा से पैदा हुई गर्मी की ये माप है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। ये जो ऊष्मा है इसको अच्छे समझिएगा। सूर्य तप क्या है? सूर्य से प्राप्त ऊष्मा जिससे हमें क्या लगती है, गर्मी। जब सूर्य की किरण सीधी पड़ती हैं धरातल पर तो ज्यादा मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी, और उस ज्यादा सूर्य की ऊर्जा की प्राप्ति होगी या ज्यादा सूर्य की किरण सीधी पड़ने के कारण हमें गर्मी लगेगी, और इस जब गर्मी ज्यादा लगेगी तो अनायास हमारे मुंह से एक शब्द निकलता है, आज टेम्परेचर, आज गर्मी बहुत है, या आज टेम्परेचर, आज टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो इसी ऊष्मा की, इसी ऊष्मा से पैदा हुई गर्मी की माप को क्या नाम दे दिया गया, नाम दे दिया गया टेम्परेचर। और टेम्परेचर को अभी हमने आपको बताया कि टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में मापते हैं, सेंटीग्रेड इसकी माप की इकाई है। और अगर इसकी बात करते हैं तो हम इसकी माप की इकाई क्या है, तो कैलोरी है। इसकी माप क्या है, तो इसकी माप कैलोरी। दोनों अलग अलग चीजें हैं, मतलब एक कारण है तो इसका एक प्रभाव है। अगर सूर्य तप कारण है तो उस कारण से उत्पन्न होने वाला प्रभाव क्या है, टेम्परेचर अर्थात गर्मी। टेम्परेचर अधिक का मतलब है गर्मी, और टेम्परेचर कम का मतलब है सर्दी। बोलिएगा, यहां पर ही पूछा जाता है तो इसको याद रख लीजिएगा। आगे बात हम करते हैं तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, और तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है अक्षांशीय स्थिति। तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है अक्षांशीय स्थिति। क्या है? अक्षांशीय स्थिति। दूसरा, समुद्र तल से ऊंचाई। दूसरा कारक क्या है? तो दूसरा कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। पहले हम लिखा देंगे फिर अच्छे से समझाएंगे। तीसरा है समुद्र तट से दूरी। यदि आपको तापमान बहुत अच्छे समझ में आ जाता है तो आप पूरा का पूरा जलवायु विज्ञान सीख जाएंगे। इस पूरे जलवायु विज्ञान में मौसम के परिवर्तन में, वायुदाब में, वायुदाब की पेटियों के खिसकाव में, चक्रवात में, वायु राशियों में, उसका वर्षा में, या फिर जेट स्ट्रीम जलधाराओं में, जेट स्ट्रीम धाराओं में, सब में कौन कॉमन मिलेगा आपको, तापमान। यानी तापमान से ही हमें ऊष्मा होगी, चाहे संघनन की प्रक्रिया हो, चाहे वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो, चाहे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया हो, चाहे अभिवहन की प्रक्रिया हो, चाहे संवहन की प्रक्रिया हो, चाहे विकिरण की प्रक्रिया हो, आपको सब में क्या मिलना है, तापमान मिलना है। इसलिए इस तापमान को, इसका ऊर्ध्वाधर वितरण, इसका क्षैतिज वितरण, आपको सभी बातों को एक एक से समझना है, ठीक ना। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारा थीम है, यह हमारा थीम है, ये हमारा ड्रीम थीम है। और यदि इसको आप बहुत अच्छे समझ गए तो आगे आने वाले टॉपिक आपको एकदम से समझ में आने लगे, ठीक ना।
तो समुद्र तट से दूरी तीसरा ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है प्रचलित पवन, जो पवने चलती हैं, ठंडी पवन चलेगी तो ठंडा कर देगी, गर्म चलेगी तो गर्म। उसी प्रकार समुद्री जलधाराएं, ठंडी समुद्री जलधाराएं चलेंगी जिस तट पर, उस तट का टेम्परेचर ऑलरेडी कम हो जाएगा, और जिस तट पर गर्म जलधाराएं चलेंगी उस तट का टेम्परेचर सीधी सी बात है बढ़ जाएगा। जैसे औलाद जलधारा एक प्रकार की ठंडी जलधारा है, वहीं पर अगर हम बात करें तो गल्फ स्ट्रीम एक प्रकार की गर्म जलधारा है। तो जहां पर गर्म जलधाराएं चलेंगी उन क्षेत्रों का टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, और जहां पर ठंडी जलधाराएं चलेंगी वहां का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो समुद्री जलधाराएं, ठीक ना, समुद्री जलधाराएं। इसके बाद हम अगर अगले फैक्टर की बात करते हैं कि समुद्री जलधाराओं के अलावा और भी कोई कारक है जो इन्हें प्रभावित कर सकता है, तो मेघ एवं वर्षा, यानी बादल एवं वर्षा। बादल और बादलों के साथ साथ क्या हो जाएगा, वर्षा। तो एक फैक्टर ये हो गया बादल और बादलों के साथ साथ वर्षा, ठीक ना, समुद्री धाराएं हो गई। उसके बाद दो फैक्टर और आपको समझने हैं, स्वच्छ आकाश, स्वच्छ आकाश, और स्वच्छ आकाश के साथ साथ हिमच्छादित सतह। यहां देखिएगा परावर्तन का नियम लगेंगे यहां पर, और नियम क्या है वो हम आपको समझा दिए हैं कि अगर चिकनी सतह है हिमच्छादित सतह तो परावर्तन अधिक होगा, और परावर्तन अधिक होगा तो अवशोषण कम होगा, ठीक ना। सीधा सीधा लॉजिक याद रखना है। और देखिएगा जलवायु विज्ञान, यहां पर आपको विज्ञान पढ़नी हो, विज्ञान में ना बॉटनी ना जूलॉजी और ना ही केमिस्ट्री, केवल फिजिक्स, पूरा का पूरा अगर भूगोल देखा जाए तो भूगोल वास्तव में एक विज्ञान है, और ये विज्ञान की समस्त जो भी शाखाएं हैं उन शाखाओं को समेकित करता है। यहाँ पर आपको जल जीव विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा, आगे आपको आएंगे जब हम पर्यावरण में, आपको यहाँ पर जंतु विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा, आपको यहाँ पर केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी वायुमंडल के मिश्रण में, आपको यहाँ पर फिजिक्स, तो हर एक जगह आपको कॉमन ही पढ़नी है। तो तापमान को प्रभावित करने वाले इतने सारे फैक्टर होते हैं, अक्षांश स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तट से दूरी, प्रचलित पवन, समुद्री जलधाराएं, बादल एवं वर्षा, उसके बाद बात करें तो स्वच्छ आकाश, और उसके बाद बात करते हैं तो हिमाच्छादित सतह। ये सभी फैक्टर हो जाते हैं तापमान को प्रभावित करने वाले। हम पहले फैक्टर से बात करते हैं अक्षांश स्थिति। ये हमारी पृथ्वी है, ग्लोब, और इस ग्लोब पर जो भी क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं, इन सभी क्षैतिज रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आपको मैंने कई बार पढ़ाया है, पब्लिक क्लास में भी पढ़ाया है, पेड बैच में भी पढ़ाया है, कि अक्षांश रेखाओं के अगर आपसे कोई उपयोग को पूछता है कि आखिर इन अक्षांश रेखाओं का उपयोग क्या है, तो आप बताएंगे अक्षांश रेखाओं के आधार पर हम तापमान की गणना करते हैं। तापमान की गणना किस प्रकार करते हैं वही मुझे यहाँ पर आपको समझाना है। यहाँ पर जो बीच में रेखा है इसको हम डिफरेंट कलर से बना देते हैं, ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा है, और जो टॉप पर यहां होता है ये ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव, तो हम इसको एक नाम दे देते हैं उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश। और वैसे यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका निम्न अक्षांश, उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश। ये आपको समझना है किस प्रकार से कार्य करेगा, और इसी कार्य को हम लोगों को अच्छे से समझना है, ठीक ना। तो देखिएगा यहां पर मान लीजिएगा पृथ्वी ऐसी तो है नहीं, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 3.5 डिग्री झुकी हुई है, आपको ये बात याद रखनी है। यहां पर मान लीजिएगा यहां पर आपका ये सूर्य है, तो सूर्य के द्वारा यहां पर प्रकाश पहुंचेगा, तो चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और झुके होने के कारण ही यहां पर जो प्रकाश पुंज पहुंचते हैं
प्रकाश किरणें पहुंचती हैं, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाती हैं वैसे वैसे क्या होती जाती हैं, वैसे वैसे तिरछी होती जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यानी जीरो डिग्री पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है। अब बताइएगा, यदि जीरो डिग्री पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ेगी तो लंबवत पड़ने के कारण यहां का टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, ठीक ना। और जीरो डिग्री से जैसे जैसे आप चाहें 90 डिग्री दक्षिण की ओर जाइएगा, यानी यहां पर ये 90 डिग्री दक्षिण है, या आप 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर में जाइएगा, सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएंगी। और सूर्य की किरणें जैसे जैसे तिरछी होती जाएंगी वैसे वैसे सूर्य तप यानी सौर ऊर्जा की प्राप्ति क्या होती जाएगी, कम, अर्थात टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम। यही कारण है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर यानी निम्न अक्षांश से, इसको हम निम्न अक्षांश मान ले रहे हैं, निम्न होता ही है निम्न अक्षांश, तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर तापमान में क्या आती है, तापमान में कमी आती है। अगर आपसे कोई पूछे कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आने का कारण क्या है, तो आप कहेंगे कि सूर्य के किरणों का तिरछापन, सूर्य के किरणों का तिरछापन, जैसे जैसे सूर्य की किरण तिरछी होती जाएंगी वैसे वैसे तापमान में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। अब वो आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर सूर्य की किरणों में तिरछापन आ क्यों रहा है, तो आप कहेंगे कि ग्लोब का यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होना, कितना झुके होना, 23.5 डिग्री। और यहां पर जो 23.5 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, तो यहां पर भी सूर्य की किरणें लगभग लगभग लंबवत ही पड़ती हैं इन क्षेत्रों में। यही कारण है कि 23.5 से लेकर 66.5 तक एक बार सूर्य की किरणें 23.5 पर जाती हैं और एक बार सूर्य की किरणें कहां पर जाती हैं, 23.5 नॉर्थ पर और 23.5 साउथ पर, यानी कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर। तो इन वाले क्षेत्रों का टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, इन वाले क्षेत्रों का टेम्परेचर हमेशा अधिक रहता है। यहां से हम एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि तिरछेपन में, किसके तिरछेपन में, किरणों के, किनकी किरणों के, सूर्य की किरणों के, या पूरा ऐसा लिखते हैं, सूर्य की किरणों का तिरछापन, इसका इनवर्स रिलेशन होता है 1/ तापमान से। यानी जैसे जैसे सूर्य का तिरछापन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तापमान घटता जाएगा, वैसे वैसे तापमान घटता जाएगा। अब यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य की जो किरण है उसका डायरेक्ट संबंध होता है सूर्यतप की प्राप्ति से, सूर्यतप की प्राप्ति, यानी जहां पर सूर्य की किरणें अधिक होंगी यानी सीधी होंगी लंबवत होंगी वहां पर सूर्यतप की प्राप्ति अधिक होगी, और जहां पर सूर्यतप की प्राप्ति अधिक होगी सीधी सी बात है वहां का तापमान, वहां का तापमान जो होगा वो अधिक होगा। और सूर्य की किरणों की, सूर्य की किरण कहां पर सीधी होती है, तो 0 डिग्री पर, इसलिए 0 डिग्री पर टेम्परेचर अधिक होगा। तो सूर्य की किरण का सीधा संबंध है किससे, सूर्य तप की प्राप्ति से, और सूर्य तप की प्राप्ति का सीधा संबंध होता है तापमान से, किससे होता है, तापमान से। आपको ये दो फॉर्मूले याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला में एक आपको और दे रहा हूं, इसको भी याद रखिएगा। देखिएगा, यही फॉर्मूले आपको याद रहेंगे ना तो
तो आप क्वेश्चन को बड़ी अति शीघ्र देखिएगा, जो आपका एग्जाम होगा, जो आपके एग्जाम होते हैं, चाहे आईएएस का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे प्रवक्ता का हो, कोई भी एग्जाम होगा, चाहे सुपर टेट हो, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि डिस्क्रिप्टिव पूछे जाते हैं। आपको उनमें लिखना नहीं होता है, बल्कि आपको उनमें जो सही आंसर है उसको टिक करके गोला भरना होता है। तो अगर ये फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे, बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। और यदि आपको मैंने अखंड रामायण जैसी, महाभारत जैसी थ्योरी पढ़ा के लिखा दी, तो हो सकता है उसके तहत आप आंसर ना दे पाए, ठीक ना। यहां तीसरा देखिएगा, ये दोनों तो आई होप समझ में आए होंगे आपको। तीसरा याद रखना है कि जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा का मान, ये तो मैं कई बार बताया हूं आपको, इसका विपरीत संबंध होता है एक बटे तापमान से। इसका विपरीत संबंध होता है एक बटे तापमान से। आप कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिएगा, सबका तात्पर्य एक ही है। इसका मतलब यह है कि अक्षांश रेखा का मान यदि बढ़ेगा तो तापमान घटेगा। हमने कहा 0 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री क्या है? निम्न है। और 90 डिग्री क्या है? उच्च है। कौन बड़ा कौन छोटा? तो 90 बड़ा, यानी अक्षांश रेखा का मान बड़ा है तो तापमान ऑलरेडी कम हो जाएगा। और यदि 0 मान रखेंगे तो अक्षांश रेखा का मान सबसे छोटा होगा, तापमान बड़ा हो जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूं कि 0 डिग्री पर तापमान अधिक होगा और 90 डिग्री पर तापमान क्या होगा? 90 डिग्री पर तापमान कम होगा। 90 डिग्री पर तापमान क्या हो जाएगा? तो 90 डिग्री पर तापमान आपका कम हो जाएगा, ठीक ना। अब यहीं पर एक शब्द और आता है कि आपतन का कोण क्या होता है? आपतन कोण या आपतन का कोण। तो देखिएगा, यही जो चीजें हैं, बस उसने एक नया शब्द दे दिया, आपतन का कोण। आपतन का कोण होता है जो सूर्य है, जो सन है आपका, सूर्य के द्वारा आने वाली सौर्य किरण और पृथ्वी की सतह के मध्य बनने वाले कोण को हम आपतन का कोण कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, सूर्य से आने वाली सौर्य किरण एवं पृथ्वी की सतह के मध्य बनने वाले कोण को आपतन का कोण कहते हैं। यहां पृथ्वी की सतह से टकराई, ए आपतन का कोण बन गया, कितना है? 90 है। यहां पर टकराई, ए बन गया, ए बन गया। इस प्रकार यहां से टकराएगी, ए बन जाएगा, यहां से टकराएगी, ए बन जाएगा, यहां टकराएगी, ये बन जाएगा। तो पृथ्वी की सतह एवं सूर्य से आने वाली सौर किरण के मध्य जो कोण बनता है, उस कोण को हम आपतन का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उस कोण को हम आपतन का कोण कहते हैं। बोलिएगा, पहली बात समझ आई? इतनी सारी बातें समझ आई? चलेगा। तो ये तापमान को प्रभावित करने वाला पहला कारक था अक्षांश स्थिति। अन्य जो 5 कारक हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कारक अभी और हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक ना। सपोर्ट कीजिएगा टीजीटी पीजीटी में, सपोर्ट के लिए कभी भी आप लोगों से, पहली बार मैंने बोला है, वीडियो को शेयर कीजिएगा अच्छे से और आइएगा टीजीटी पीजीटी में जुड़िएगा। एकदम आपको बेहतरीन तरीके से समझाई जाएंगी चीज़ें। आपके संस्थान में, टारगेट तालुक में, आपको मालूम है कि जो कहा जाता है वो किया जाता है। आपके साथ कथनी और करनी में हमारी कोई भी शक, कोई भी अंतर नहीं होता है। आलोक शाह और रवि सर के निर्देशन में बैच संचालित हो रहा है। आइएगा, अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमारा संस्थान जाना जाता है। आपको सभी विषय यहाँ पर अवेलेबल हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री भी चलेगा आपका, गृह विज्ञान हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, शारीरिक शिक्षा, सॉरी शिक्षा शास्त्र, ये विषय भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। संस्कृत, कला, हिंदी भी, अंग्रेजी भी आपके यहाँ पर चलेगी, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल।